ओके दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्क्रैम्बलर सो हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे हम लोग को स्क्रैम्बलर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा हम लोग को एक डेटा स्ट्रीम दिया हुआ है ये एक पंद्रह बिट का डेटा है आप काउंट कर सकते हैं इसमें तो टोटल पंद्रह बिट्स हैं ठीक है इसको हम लोगों ने स्क्रैम्बलर में एज अ इनपुट दिया हुआ है हमको स्क्रैम्बलर का आउटपुट टी फाइंड करना है ये एक स्क्रैम्बलर है ये सर्किट दिया हुआ है स्क्रैम्बलर का एस वो डेटा स्ट्रीम है ठीक है जो कि स्क्रैम्बलर का इनपुट है टी इज़ द आउटपुट वन टू थ्री फोर फाइव इज द डिले इसकी वर्किंग हमने लास्ट क्लास में देखी थी पूरी तो सर स्टार्टिंग में क्या क्या होगा देखिए हम लोग जब एक एक बार जब भी क्लॉक पोल सप्लाई करेंगे तब तब ये टी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तो वेरी फर्स्ट एस यहाँ पे है अभी अभी हुआ है जस्ट ऐस यहाँ पे या एस यहाँ पे रखा हुआ है स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन में टी की वैल्यू होगी जीरो क्योंकि कोई अभी स्टार्टिंग में कोई भी क्लॉक पोल सप्लाई नहीं किया है तो टी की वैल्यू जीरो ये सब का वैल्यू जीरो होगा सारे शिफ्ट रजिस्टर का आउटपुट जीरो जीरो होगा यहाँ का आउटपुट जीरो होगा ठीक है ये जीरो होगा ये जीरो होगा सब ये जीरो जीरो होंगे तो यहाँ पे फिर स्टार्टिंग में क्या कंडीशन है ये एस है यहाँ का इनपुट जो है एक इनपुट एस है इस एक्स और गेट का एक इनपुट जीरो है ठीक है जैसे ही मैं फर्स्ट लॉक पल्स अप्लाई करूँगा एट फर्स्ट लॉक पल्स टी इज इक्वल टू हो जाएगा एस ठीक है टी इज इक्वल टू हो जाएगा टी इज द आउटपुट यही है टी तो टी इज इक्वल टू एस एक्स और विथ ज़ीरो दैट मींस एस तो जब फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे पहली बार क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो टी की वैल्यू होगी एस ठीक है फर्स्ट क्लॉक पल्स टी इज इक्वल टू होगा एस क्योंकि सब तो जीरो जीरो स्टार्टिंग में तो एस एक्सोर विद जीरो इज एस तो टी की वैल्यू होगा एस अब देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट पल्स से अब क्या कंडीशन है टी इज इक्वल टू एस ठीक है T इज इक्वल टू एस है और ऐसा यहाँ पे अभी भी है अब ये S, इस शिफ्ट रजिस्टर से पास होगा यानी कि ये T, इस शिफ्ट रजिस्टर से पास होगा तो यहाँ वैल्यू होगा डी क्यूब टी यानी कि डी क्यूब एस यहाँ पर होगा डी टू पावर फाइव टी यानी कि डी टू पावर फाइव एस क्योंकि यहाँ पे T आ गया है और T की वैल्यू कितनी है अब किसमें एस यहाँ पे वैल्यू होगा d टू पावर थ्री और विद डी टू पावर फाइव एस तो अब यहाँ पे एक्सोर गेट का इनपुट होगा एस एक इनपुट और गेट का दूसरा इनपुट होगा ये जैसे सेकंड क्लॉक पल्स सप्लाई करूंगा तो सेकंड क्लॉक पल्स सप्लाई करते ही टी की वैल्यू हो जाएगी टी इज इक्वल टू हो जाएगा एस एग्जॉर विथ s एग्जॉर विथ दिस थिंग डी टू पावर फाइव या डी टू पावर थ्री डी टू पावर फाइव एस नाउ सेकंड क्लॉक पल्स के बाद टी इज इक्वल टू इतना होगा तो आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स टी इज इक्वल टू दिस देन लेट से इसमें से हम लोग क्या करते हैं एस को कॉमन ले, ले लेते हैं और इसकी वैल्यू ये जो चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं एफ ये लास्ट क्लास में देखा था इस थिंग को बोलते हैं हम लोग एफ तो ये हो जाएगा एस एक्जॉर विथ एफ एस ठीक है एस एक्जोर विथ एफ एस इतने टर्म को मैं ले रहा हूं एफ डैश ना आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स सेकंड क्लॉक पल्स के बाद टी का वैल्यू है एफ डैश ठीक है आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स टी की वैल्यू है एफ डैश अब यहाँ का आउटपुट क्या होगा ये एफ डैश यानी कि ये टी ये डिले से पास होगा तो यहाँ हो जाएगा डी क्यूब एफ डैश डी टू पावर फाइव एफ डैश और तो यहाँ पे आ जाएगा डी क्यूब एक्जॉरविट डी टू पॉल फाइव एफ डैस ठीक है यही होगा यहाँ पर तो जब थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो थर्ड क्लॉक पल्स के बाद थर्ड क्लॉक पल्स के टाइम पे यहाँ पे इनपुट है एस और दूसरा इनपुट है ये ठीक है सो आउटपुट होगा आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स टी इज इक्वल टू हो जाएगा एस एक्सोर विथ डी क्यूब डी फाइव एफ डैश ये होगा ओके नाउ इसको हम लोग लिखते हैं एफ सो एस एक्सोर विथ एफ इन टू एफ तो एस एक्सर विथ एफ इन टू एफ डैश और एफ डैस की वैल्यू क्या रखा था मैंने ये था एफ डैस की वैल्यू एफ डैस की वैल्यू रख दो ये तो एस एक्सर विथ एफ एस एक्सर विथ ये एफ एस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एफ एस एफ स्क्वायर एस ठीक है तो आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स टी इज इक्वल्ट हो जाएगा ये तो देखो जब फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो आउटपुट था स्क्रैमलर का टी इज इक्वल टू एस सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो आउटपुट आया इतना एस प्लस एफ एस थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई किए तो आउटपुट आया एस प्लस एफ एस प्लस एफ स्क्वायर एस उसी टाइप से जब फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो आएगा एस प्लस एफ एस प्लस एफ स्क्वायर एस प्लस एफ क्यू एस इसी टाइप से आगे बढ़ते जाएगा तो आफ्टर रेथ क्लॉक पल्स जब एन नंबर ऑफ लकपल्स अप्लाई कर चुका रहूँगा तो ये आउटपुट आएगा टी इज इक्वल टू ठीक है सो फाइनली द स्क्रैम्बलर का आउटपुट होता है ये टी इज इक्वल टू वन प्लस एफ प्लस एफ स्क्वायर प्लस मतलब एक्जॉर ठीक है एक्जॉर एफ क्यूब डैश 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 इन्फनाइट टाइम्स एस ना वट इज एफ एफ क्या है एफ होता है इतना डी क्यूब एक्जॉर विव एफ स्क्वायर क्या होगा दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट ओपन करो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यूब डी क्यूब बना डी सिक्स डी क्यूब डी टू पावर फाइव बना डी टू पावर एट डी टू पावर फाइव एक्स और ये बना डी टू पावर एट अगेन और ये बना डी टू पावर टेन तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये रिजल्ट आएगा ना जो सेम टर्म का एक्स और होता है वो होता है जीरो तो ये टर्म हो जाएगा जीरो तो बचेगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू दिस नाउ एफ क्यूब एफ क्यूब मतलब दिस दिस इंटू दिस ब्रैकेट ओपन करते हैं ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो इन दोनों का ब्रैकेट ओपन किया इनका ब्रैकेट ओपन करने से ये टर्म बना अभी देखा था इन दोनों का ब्रैकेट ओपन करने से ये टर्म मिला था मेरे को तो इन दोनों का ब्रैकेट ओपन करने से ये बना मल्टीप्लाई विद दिस टर्म मल्टीप्लाई कर दो तो बना डी टू पावर नाइन d to power 11 d टू पावर थर्टीन एंड डी टू पावर फिफ्टीन ठीक है तो f का वैल्यू आया इतना f स्क्वायर का वैल्यू आएगा इतना f क्यूब का वैल्यू आएगा इतना तो ये सब वैल्यू को इसमें रखते हैं t की वैल्यू में यहाँ पे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा वन एक्सर विद डी क्यूब एक्स विद डी फॉर पावर फाइव एक्स आर विध डी सिक्स डी नाइन डी टू पावर टेन डी एलेवन डी थर्टीन डी फिफ्टीन एंड सो वन लंबा चलते जाएगा क्योंकि हमारा केवल 15 बिट तक का था ये वैल्यू तो हमने केवल 15 तक ही लिया यहाँ पे डी पावर 15 तक और आगे ले सकते थे हम लोग ठीक है सो so, टी का हम लोग निकालेंगे कैसे वैल्यू टी एक्चुअल में होगा क्या सो टी इज इक्वल टू वाट क्या है टी क्या क्या है टी है टी इज इक्वल टू क्या है देखिए टी इज इक्वल टू है एस एक्जोरविट डी क्यूब एस एक्स एग्जॉर विथ डिट पावर फाइव एस एक्स आर विथ डिट पावर सिक्स एस एक्स एग्जोर विथ डिट पावर नाइन एस एक्स और विथ डिट पावर टेन एस एक्स और विथ डिट पावर इलेवन एस डिट पावर ट्वेल्व एस सो ट्वेल्व नहीं है थर्टीन है डिट पावर फिफ्टीन एस कितने टर्म्स हैं ठीक है और भी टर्म आएंगे हमने और लिखे नहीं है एक्सन so इन सब का एग्जॉर होने के बाद मिलेगा मेरे को टी तो एस क्या है दिस इज द एस ठीक है डी क्यूबैस क्या होगा दिस इज एस डी क्यूब एस क्या होगा एस के सामने तीन जीरो लगा दो तो बन जाएगा डी क्यूबैस एस को तीन बार देखो इस एस को मैंने क्या किया है तीन बार राइट हैंड साइड शिफ्ट किया है वन टू एंड थ्री दिख रहा है तीन बार आइट एंड सॉफ्ट किया या फिर ये बोलो कि तीन बार तीन सामने तीन जीरो लगा दिया डिट पावर फाइव एस एस के सामने पाँच जीरो डिट पावर सिक्स एस छः जीरो डिट पावर नाइन एस नौ जीरो टेन एस टेन जीरोस इलेवन एस इलेवन जीरोस ट्वेल्व एस ट्वेल्व जीरोस थर्टीन एस दिस फिफ्टीन एस दिस ठीक है तो दिस इज द एस डी क्यूब एस और इन सब का एग्जॉर करना है मेरे को बिट बाय बिट इनका एग्जॉर करेंगे मतलब बिट बाय बिट मतलब पहले पूरे सामने वाले बिट का एक साथ एग्जॉर करेंगे इतने बिट का उसी टाइप से ये बिट्स का एग्जॉर करेंगे ऐसा करते करते ये सब पंद्रह बिट तक का ही हमने एग्जॉर किया हुआ है यहाँ तक का मतलब तो ये पंद्रह बिट का ही एग्जॉर किया हुआ है बाकी आप आगे करने की ज़रूरत नहीं है सो so, एग्ज़ोर करने से जो रिजल्ट आएगा वो होगा टी तो कैसे एग्जॉर करेंगे बिट बाय बिट करना है मतलब पूरे सामने वाले बिट का एक साथ एग्जॉर करो जैसे कि फर्स्ट बिट वन वन ज़ीरो का एग्जॉर हुआ वन ठीक है उसका एग्जॉर हुआ वन ज़ीरो वन या इसको ऐसा समझो कि देखो एक्जॉर में क्या ऑपरेशन होता है अगर सारे बिट सेम हैं तो रिज़ल्ट आता है ज़ीरो कोई भी एक बिट अगर अलग मिल गया तो रिज़ल्ट आएगा वन तो उसमें देखो कि अगर सारे बिट सेम है क्या या इवन नंबर ऑफ बिट सेम है क्या तो इसमें देखो सारे बिट्स सेम है एक्सेप्ट वन बिट दैट मीन्स एक बिट अलग है तो रिज़ल्ट आएगा वन दिख रहे हैं? इस बिट में सामने वाले बिट में पहला बिट को छोड़ के सारे बिट सेम हैं मतलब एक बिट अलग है कोई भी एक बिट अलग है अगर लॉन्ग स्ट्रिंग है जैसे कि एक्स वन एक्जॉर विथ एक्स टू एक्जॉर विथ एक्स थ्री एक्जॉर विथ एक्स फोर एक्सॉर विथ एक्स, 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 एक्स फाइव एंड सो ऑन अप टू एक्जॉर विथ इन्फोनाइट है एक्स इन्फोनाइट इन्फनाइट टर्म से सबका एक्ज हुआ पड़ा है कोई सारे बिट सेम है एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स इन्फ्राइट सब बिट सेम है जीरो जीरो केवल एक बिट कोई भी एक अलग हो जाएगा तो उसका रिज़ल्ट आ जाएगा ओवरऑल का वन ये एग्जॉल की प्रॉपर्टी होती है तो वही देखना हमको तो इस वाले केस में सारे बिट जो हैं वो अलग सेम नहीं है एक बिट अलग है डिफरेंट है तो रिजल्ट आएगा वन सेकंड वाले रो में देखो ये सेकंड वाले कॉलम में इसमें सारे बिट सेम है तो रिजल्ट आएगा जीरो थर्ड में देखो फिर से एक बिट अलग है बाकी बिट जीरो जीरो हैं तो रिजल्ट आएगा वन इसी टाइप से हर बाई हर कॉलम वाइज हमको इसका एग्जॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है फर्स्ट कॉलम का सेकंड कॉलम का थर्ड कॉलम का फोर्थ कॉलम का अप टू फिफ्टीन कॉलम तक का हमको एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ये आ जाएगा हमारा बिट सिक्वेंस जो कि टी है तो हमारे को इनपुट मिला था ये इनपुट एस इसमें देखो लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ जीरोज हैं लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ वंस हैं वन ज़ीरो वन जीरो वन जीरो का फिक्स पैटर्न है इसको मैंने रेंडमाइज़ करके ये वाला बिट जनरेट किया इसमें देखो वन जीरो वन जीरो का जो फिक्स पैटर्न था वो चेंज हो गया और ये इस सिक्वेंस का एक रैंडम बिट जनरेट हो गया रैंडम पैटर्न जनरेट हो गया इस सिक्वेंस के लिए अब इस पैटर्न को मैं सेंड करूँगा ठीक है तो इस टाइप से हम लोग एक्सोरिंग परफॉर्म करते हैं सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा